हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूथ सक्सेस। फ्रेंड्स, आज है 16 जून और आज मैं आपको आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में जो प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा, तो उसका आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने जिस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है, तो शुक्र ग्रह के लिए नए एनविजन मिशन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने COVID-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है, तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत और जिस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो उस देश का नाम है कुवैत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य SDG के लैंगिक समानता के मामले में जिस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है, तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 15 जून को जो है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने जिस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो अक्षय कुमार को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट ने जिस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है, तो तेलंगाना सरकार ने। देखिए, अब MCQ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है झारखंड, बी है बिहार, सी है पंजाब और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। नीति आयोग की SDG इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में यह घोषणा की गई है। यह सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मापी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 जून, बी है 10 मार्च, सी है 12 अप्रैल और डी है 16 मई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जून। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में इसे 15 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 66/127 के परिणाम स्वरूप इस दिवस के आयोजन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ए है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बी है रणबीर कपूर, सी है अक्षय कुमार और डी है अजय देवगन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षय कुमार। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने
अभिनेता अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पुणे की कंपनी ने देश की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविसेल्फ पेश की है। कंपनी डायग्नोस्टिक्स, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। माइलेब ने बयान में कहा कि इस भागीदारी का मकसद कंपनी के उपकरणों तथा किट के बारे में लोगों और प्रयोगशालाओं को जानकारी प्रदान करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? ए है आपका बिहार, बी है तेलंगाना, सी है पंजाब और डी है दिल्ली। तो फ्लिपकार्ट ने जो है वो तेलंगाना के साथ किया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका हम डिटेल में देख लेते हैं आंसर। फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने कहा कि उसने राज्य के दूरदराज के हिस्से में ड्रोन का उपयोग करके कोविड-19 टीके और अन्य आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तेलंगाना में 6 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है। नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है राजस्थान, सी है असम और डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में बिहार अंतिम स्थान पर रहा है। नीति आयोग की SDG इंडिया सूचांक 2020-21 में यह घोषणा की गई है। यह सूचांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मापी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह, बी है बुध ग्रह, सी है मंगल ग्रह और डी है शनि ग्रह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगी, जिसमें राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन का भी योगदान होगा। इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसे Ariane 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसे जो है किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा? Ariane 6 रॉकेट द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? तो ए है पंजाब, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार और डी है राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। इसका आंसर हम डिटेल में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार जनता को कोरोना के प्रति और वैक्सीन को लेकर जागरूक करने के लिए एक नई मुहिम शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अब उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत कॉलेजों में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए है कतर, बी है ओमान, सी है कुवैत और डी है आपका इराक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुवैत। डिटेल में देखते हैं इसके आंसर्स को। भारत और कुवैत ने 10 जून 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारतीय घरेलू कामगारों को इस खाड़ी देश में एक कानूनी ढांचे के भीतर लाता है, ताकि उन्हें कानून की सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित किया जा सके। यह समझौता ज्ञापन घरेलू कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करेगा। यह समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित करेगा।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.